आजकल इंडिया में जो बारिशें हो रही हैं, इस प्रकार की सर्दियों में होने वाली रेनफॉल को टेक्निकली ज्योग्राफी की भाषा में बोला जाता है टेम्परेट साइक्लोन। साइक्लोन मीन्स चक्रवात, और ये ठंडे इलाके में बने हुए साइक्लोन्स हैं जो इंडिया की तरफ ट्रेवल करते हुए आ जाते हैं। ये साइक्लोन्स मेडिटेरियन सी, एक मेडिटेरियन सी है जो अफ्रीका और यूरोप के मध्य में है। इस मेडिटेरियन सी में सर्दियों के टाइम पे ये साइक्लोन प्रोड्यूस होते हैं और ब्लैक सी, कैस्पियन सी होते हुए एंटायर सेंट्रल एशिया से होते हुए हिंदुस्तान के अंदर एंटर करते हैं। जब ये सेंट्रल एशिया से आते हैं तो ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सारी जगह पे बारिश होती है। और इंडिया के जिस कोने में हम लोग बैठे हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, कश्मीर है, हिमाचल है और उत्तराखंड है, इन सारी ही जगहों पे बारिश देखी जाती है। दिल्ली में भी बारिश होती है और मैक्सिमम अगर हो तो कभी बिहार और आसाम तक भी बारिश देखी जा सकती है। ये रेनफॉल हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम पे हम देखते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, इस जगह के ऊपर इस टाइम पे कनक लगाई जाती है। कनक मीन्स वीट, और मस्टर्ड की खेती की जाती है। टेक्निकली ज्योग्राफी की भाषा में इसको बोला जाता है राबी क्रॉप्स। ये रेनफॉल सर्दियों में राबी क्रॉप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, साथ ही साथ जितने भी कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, यहाँ पे इस टाइम पे बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी देखी जाती है, स्नोफॉल। ये स्नोफॉल यहाँ के ग्लेशियर्स को रिवाइव करते हैं, रिजुविनेट करते हैं, इसलिए ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वेस्ट से आते हैं। इन्हीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज को टेम्परेट साइक्लोन्स भी बोला जाता है।